जी गुड मॉर्निंग बेटा, मैं मोनिका मेहता, साइंस मिनिस्टर GSS लोहगढ़। अज तुहानू NTSC एक दिन मैट का पेप करन दे टॉपिक, दूसरे दिन सैट अल्टरनेट चल रहा। चैप्टर नंबर 2 अल्फाबैट टैसट, इस तुहानू कुछ सोल्व एग्जाम्पल करा रहे हैं। नाल दी नाल PDF भेज दिती जाएगी, तो वह तुसीं खुद करनी होंदी है एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन हैगा, इस कंट्रोवर्सियल वर्ड दिता हुआ है, कंट्रोवर्सियल एदा थर्ड फोर्थ एंड इलेवंथ लैटर लैके, ठीक है, कोई वर्ड बनाओ। जे तो एक वर्ड बनता है तो M लिखो, जे ज़्यादा बनते हैं तो X लिखो। तो यदा थर्ड लैटर क्या हो गया N, फोर्थ क्या हो गया T और इलेवंथ लैटर I, ठीक है। तो की बन जूगा टिन वर्ड, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है तो आंसर विल बी M। एक ही वर्ड बना सकते हैं तो यदा आंसर किन्ना आएगा M। हाउ मैनी लैटरस आर यह बैकलाश क्या दिता हुआ, बैकलैश जिमें असी लिखते हैं ABCDEFGHIJ, ठीक है। इन्हों की नंबरिंग करते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। हूँ इतने देखो ये विचकार किन्ने वर्ड आ गए, 5 अल्फाबैट्स आ गए, ठीक है। सेम बैकलैश दे विच भी, बैकलैश दे विच भी ये थर्ड नंबर ते है, ये 8 नंबर ते, विच किन्ने आ गए टोटल मतलब डिफरेंस किन्ने दा आ गया 5 दा। ए सेम है जो ओरिजिनल अल्फाबैटिकल सीरीज च है गया, तो कि लैटरस सेम पोजिशन ते है ये सी ते एच, तो हाउ मैनी वर्ड्स अल्फाबैट्स आर देयर 2 आने। अदू बाद है एक सीरीज दिती हुई है ABC तो लैके, ठीक है। इन्हों करना किमें है, विच लैटर विल बी 8 टू द राइट ऑफ द थर्ड सैकेंड हाफ, ठीक है। सैकेंड हाफ कि हो गया किमें लिखा, ABCDEFGH इदा करके के सैकेंड हाफ ए हो गया NOPQRSTUVWXYZ। तो इन्होंने कहा विच लैटर विल बी द 8th टू द राइट ऑफ द थर्ड लैटर ऑफ द सैकेंड हाफ। थर्ड लैटर केड़ा हो गया सैकेंड हाफ का, P, ठीक है। विच लैटर इज 8th, अठवां लैटर केड़ा है गया, दो बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो अठवां लैटर केड़ा बनया इधरों, ठीक है। विच लैटर 8th टू द राइट ऑफ द थर्ड लैटर ऑफ द सैकेंड हाफ, ठीक। सैकेंड हाफ का राइट केड़ा बनया, X बनया, तो ये X बनया। अगर असी इनू ए लिखते हैं NOPQRSTUVWXYZ, आ थर्ड लैटर है, थर्ड तो बाद 8th लैटर केड़ा होया X, तो X विल बी दी आंसर। अगला है इफ ओनली लास्ट 10 लैटरस ऑफ दी आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, विच ऑफ दी फॉलोइंग विल बी 6th ऑफ दी 6th टू द राइट ऑफ द 13th लैटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। इन्हों हौली हौली पढ़ना होंगे कि मैं इन्होंने की किया, जे देखो इन्हों लास्ट, ठीक है, लास्ट 10 लैटरस नू रिवर्स ऑर्डर च लिख लिया, ABC दा लास्ट 10 लैटरस नू रिवर्स करके लिख लिया, इतों Z इधर आ गया तो Q उधर चला जाऊगा। तो 13 लैटर फ्रॉम द लैफ्ट इज M, ठीक है। लैफ्ट तो 13वां लैटर कौन है, M, ठीक है। 6th लैटर ए तो बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6वां लैटर कौन होएगा, X, ठीक है। इदा करके तुसी
स्लोली कम करना है। उस तो बाद अगला क्वेश्चन है अल्फाबैट्स लिख लो ए तो लैके जैड तक, जेड़ा बी तो स्टार्ट करना है जिमें इन्होंने करके दिखाया है। हर एक लैटर अल्टरनेट लैटर की है समाल लिख लेना, ठीक है। अल्टरनेट लैटर क्या लिखे हुए हैं, समाल लिखे हुए हैं, जैड भी समाल आनी चाहिए आई थिंक। तो उस तो बाद इन्होंने क्वेश्चन की क्या महीनों के नाम, सैकेंड हाफ च पहला महीना केड़ा हुंदा है, जुलाई। तो ये अकॉर्डिंग जे छोटी आजूगी, यू वड्डी, एल समाल ते वाई लार्ज, तो यह तुहाडा की हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। दैन आह डिक्शनरी दे अकॉर्डिंग, ठीक है, तुसी इन्हां नूं याद करना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, इत्थे तक ऑर्डर दे लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ते 13, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डबल्यू एक्स वाई ते जैड, इन्हों दोनों का जोड़ कितना बनेगा टोटल 27, जिमें 2 है तो यदा 25 आ गया, ठीक है, 24, 23, 22 इदा करके तुसी कर सकते हो, 22, 21, 20, 18, 17, 16, 15 ते 14, टोटल जोड़ कितना बनना चाहिए, 27 बनना चाहिए। और इसनों याद करन दा ढंग की है इदा करके ए बी सी, दोबारा देख लो किवें याद करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू सॉरी एम तक लिखो, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डबल्यू एक्स वाई ते जैड, जिमें आ की हो गया आज, ठीक है, बी बॉय, बॉय दे वर्ड नाल कॉक्स, फॉक्स तो कॉक्स, ठीक है। फिर तुसी की कर सकते हो, ड्यू वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, घंटा रेजर लाइए। दैन डी डबल्यू लई तुसी केड़ा वर्ड यूज़ कर सकते हो, ड्यू, ड्यू। फिर ईवनिंग, ईवनिंग, ठीक है, फ्यूल, एफ यू ई एल, फ्यूल, ठीक है। दैन क्या यूज कर सकते हो, अगला वर्ड क्या यूज कर सकते हो, जी टी रोड, जी ते टी ता जी टी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जोकर क्यून, किंग प्रिजनर, एल ओ लो, ठीक है, एम एन, इदा करके तुसी इन्हां नूं याद कर सकते हो। जिवें सानूं इहदा पता है कि इहदा 2 है तो टोटल जोड़ कितना होगा, 27, 25, ठीक है। इहदा 5 है, 5 ते 22 कितना हो गया, ठीक है, 20, ई दे नाल की आएगी, 20 आएगी। तो इदा असी इन्हां दी होर भी नंबरिंग दा, ए दा 1, बी दा 2, सी 3, इन्ना तो सानूं याद ही हुंदा, ठीक है, डी तो बाद इहदा 4, 5, एफ 6, ए बी सी डी ई एफ जी दा, आ देखो जी दे विच की आ गया, 7 आ गया, ठीक है, 7 हो जी तो बाद आंदा एच, एच नूं अगर लिखिए तो इदा 8 बन जाता है। आई, आई असी इदा लिखते हाँ जा इदा, ये किवें लिख लग रहा, 9 की तरह, ठीक है। जे, जे दा 10 हुंदा, के क्रिकेट, क्रिकेट दे विच किन्ने खिडारी हुंदे है, 11, एल लंच, लंच किन्ने बजे हुंदा है, 12,
एम दा 13, एन दा 14, ठीक है। इदा करके तुसी कई वर्ड याद, जिवें T20 मैच खेलते हैं, ठीक है। वी दा 22, बी 22, इदा कई वर्ड्स इदा याद कर सकते हो। कई तुसी जिवें डी दे नाल की लगेगा, डबल्यू लगेगा। 4 है तो 27 चो इहदा नंबर किन्ना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक है। लाइक सी एक्स, इहदा 3 हुंदा तां इहदा 24 हो जाएगा, ठीक है। जिवें हाई एच, हाई स्कूल, एच दा की बन गया 8 नंबर, टोटल किन्ने बनाने 27, तां 8 19, 19 एस दा आ जाएगा, ठीक है। आई दा किन्ना है 9, आई दे अपोजिट आर आएगा, तां टोटल किन्ने बनाने हैगे 18 आ जाएगा इहदा, ठीक है। जे दा किन्ना है 10 है, तां 17 किहदा आ जाएगा, जे जोकर ते क्यून, जॉकी जोकर एंड क्यून, इदा करके असी वर्ड याद किए। ए दे नाल आज वर्ड बन गया, आज, ठीक है। 1 ते 26, दोबारा सारा रिपीट कर देंगे शायद तुहानू समझ आ जाए। बॉय 2 ते 25, सी ते एक्स 3 ते 24, ड्यू ड्यू 4 ते 23, फिर ईवनिंग 5 ते 22, ठीक है। फिर उस तो बाद आंदा फ्यूल, फ्यूल 6 ते 21, ठीक है। फ्यूल तो बाद एफ जी, जी टी रोड 7 ते 20, टोटल जोड़ किन्ना बन गया 27। तो इदा असी एक बार इन्हों की नंबरिंग याद कर ली, तो सानू क्वेश्चन भी याद करने, ठीक है। कॉपी पर लिख के तुसी इन्हों कर सकते हो। हुण हैगा डिक्शनरी दे अकॉर्डिंग असी किवें अरेंज करते हैं, इन्हां नूं ध्यान नाल देखो। आह पहले 2 लैटर कट्टे गए, ठीक है। फिर थर्ड लैटर की है, ए है, ये भी कट्टिया गया, ठीक है। कॉमन चीज़ तो नहीं लैनी। हुण इहदे विच फोर्थ लैटर की है, आई है, इहदे विच एन है, तो इहदे विच सी है, इहदे विच वाई है। किहदे विच कंपीटीशन है, आई सी एन ते वाई। सी दा नंबर 3, 9, एन दा 14 है, वाई दा 25 है। तो नैचुरली सी वाला पहला आ जाएगा, फिर आई वाला, फिर एन वाला, फिर वाई वाला। आ देखो प्रैक्टिकल, फिर प्रेज, फिर प्रैंक, फिर प्रेयर। तो डिक्शनरी च असी इदा अरेंज करते हैं अल्फाबैटिकल ऑर्डर। होप सो तुसी समझ आ गया होना। एक होर कर लें नेचर, ए देखो आपस 2 लैटर की है, सेम है, कट दो, ठीक है। जिहड़ी चीज़ सेम है उन्होंने छड़ दो। ए हुण थर्ड लैटर दी हैगी है प्रॉब्लम। देखो 2 वर्ड टी आ रहा, आर आ रहा, तो एस, टी आर ते एस दे विच कंपीटीशन हैगा। टी दा 20 हुंदा, आर दा देखो इंडियन रेलवे, इहदा 9 सी, 9 ते इहदा किन्ना हो जाएगा 18, ठीक है। आर दा किन्ना नंबर हो गया 18, ते किदे किदे विचकार कंपीटीशन है आर ते एस। टी दी नंबरिंग 20, आर दी 18, हुण एस दी हाई स्कूल, इहदा 8 है, 8 ते 27 चों 8 कटाए, 27 चों 8 कटाए किन्ने हो गए 19, है ना, 19 नंबर हो गया। एस दा की हो गया 19 नंबर हो गया। तो हुण असीं इहनां नूं देख सकते हाँ, इदां असीं इहनां दे नंबर फाइंड आउट कर ले, ठीक। इहनां चों हुण करो आर दा 18, एस दा 19 ते टी दा 20। आ पहले 2 लैटर कट्टे गए, ठीक है। आ भी 20 ते है, ये भी टी 20 ते है, आ 18 ते है, ते एस 19 ते है। नैचुरली अंडर रेट पहला आएगा, फिर उस तो बाद की आएगा नेसेंट। हुण इन्ना च रह गया कंपीटीशन, यू ते आई नू देखो, अगला लैटर यू ते आई चों, आई दा किन्ना हुंदा 9, यू दा हुण असीं नंबर फाइंड आउट करना। फ्यूल, फ्यूल दे नाल सी ना, इहदा किन्ना हुंदा 6, 6 ते 21, तां 21, तां नैचुरली आई वाला पहला आएगा, ठीक है।
ਤਾਂ ਜਿਸ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਆ 19 'ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈ ਕਿਤੇ ਹੈ 9 'ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ 21 'ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਲੈਟਰ, ਇੱਦਾਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਗਰ, ਰਾਈਟਫੁੱਲ ਅਤੇ ਰਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈ ਕੋਮਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕੋਮਨ ਹੈ, ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨਵਾਂ ਲੈਟਰ ਹੁੰਦਾ 7th, ਐਨ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹੈ 14th। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਐਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਆਏਗੀ, ਈ ਵਾਲਾ ਰਿਲੀਫ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਐਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ 8 'ਤੇ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਉਹ 15 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਕੁਛ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕਮਸ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਬਿਫੋਰ ਦੀ 6th ਅਲਫਾਬੈਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰਾਈਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਰਾਈਟ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ 6th ਲੈਟਰ ਕਿੰਨਾ, ਐੱਫ। ਫਰੋਮ ਦੀ ਰਾਈਟ ਵਿਚ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕਮ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਬਿਫੋਰ, ਤਾਂ 6th ਤੋਂ ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਬਿਫੋਰ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪੇਅਰਸ ਆਰ ਦੇਅਰ ਹੈਵਿੰਗ ਦੀ ਸੇਮ ਪੁਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ 3rd ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ 5th ਹੈ। ਐਲਫਾਬੈਟੀਕਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ 3rd ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 5th ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਅਤੇ ਈ ਦੋ ਲੈਟਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਮ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜ਼ ਇਨ ਓਰਿਜਨਲ ਐਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼। ਈਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ, ਆ ਐਲਫਾਬੈਟੀਕਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖੀਏ, ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਵਿਲ ਦੀ 5th ਟੂ ਦੀ ਲੈਫਟ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਫਟ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫ ਦੀ 14th ਫਰੋਮ ਦੀ ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਦੀ ਲੈਟਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ 5th ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੀ 14th ਫਰੋਮ ਦੀ ਰਾਈਟ, 14th ਲੈਟਰ ਰਾਈਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 14th ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14th 'ਤੇ ਕੌਣ ਬਣਿਆ, ਐੱਮ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ, 5th ਲੈਟਰ ਵਿਲ ਬੀ 5th ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੀ 14th ਲੈਟਰ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ 14 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ 'ਤੇ 5th, 1, 2, 3, 4, 5, ਤਾਂ ਆਰ ਆਨਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਰ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਰ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ। ਇਫ ਦੀ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਆਰ ਰਿਪਲੇਸ ਬਾਈ ਓਲਡ ਨੰਬਰਸ, ਦੈਨ ਵਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਨੰਬਰ 3rd ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦੀ 10th ਨੰਬਰ ਲੈਟਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਰਾਈਟ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਲੈਟਰ ਓਡ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ 3rd ਟੂ ਦੀ ਰਾਈਟ ਆਫ 10th ਨੰਬਰ। ਇੱਧਰੋਂ 10th ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, 10th ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ 10th, 26 'ਚੋਂ 10 ਘਟਾਏ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 'ਤੇ ਕੌਣ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, 3rd ਲੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, 10th 'ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, 10 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3rd, 1, 2, 3, ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ, 21 ਨੰਬਰ, ਤਾਂ 21 ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਫੋਰਥ ਵਿਲ 15th, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੋਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਫਥ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਉ, 12 ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 13 ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ 2 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 11 ਦੇ ਨਾਲ, ਦੂਸਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟ 'ਚ 12ਵਾਂ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਨ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ 13 ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਨੂੰ 11 ਨਾਲ, ਸੈਕਿੰਡ ਨੂੰ 14 ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਰਾਈਟ ਤੋਂ 12ਵਾਂ ਲੈਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਨਾਓ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਫਰੋਮ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਈ ਐੱਫ ਜੀ ਐੱਚ ਆਈ ਜੇ ਕੇ ਐੱਲ ਐੱਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਰਡਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਰ ਐੱਸ ਟੀ ਯੂ ਵੀ ਡਬਲਿਊ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈੱਡ, ਇੱਦਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਟੋਟਲ 27 ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਪਤਾ, ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਾਂਗੇ 21 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ 9 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਓ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, 18, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 18 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੈਥਡ ਦੱਸੇ ਆ, ਆਜ, ਬੋਏ, ਕੋਕਸ, ਡਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਇਨ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ABC ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰਿੰਗ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।